हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और देवीनाथ किचन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तरी वाला चिकन या मसाला चिकन या ग्रेवी वाला चिकन या आप जो भी कह सकते हैं वो चिकन मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हंडी ले ली है, क्ले पॉट है, और उसमें मैंने सरसों का तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने 1/2 kg चिकन जो है ना वो मैरिनेट करके रखा हुआ है 1 घंटे पहले। तो इसको मैंने उस समय मैं ये क्लिप नहीं ले पाई, इसके लिए सॉरी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हल्दी पाउडर लिया हुआ है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है और काली मिर्च है उसका पाउडर। इन सब चीज़ों के साथ में मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। तो अभी हमारा यहाँ पे जो तेल है वो गरम हो चुका है, तो इसमें मैंने थोड़े खड़े गरम मसाले हैं, आपके पास जो भी हो ना आप वो ले लीजिए। यहाँ पे मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, दगड़ फूल, जावित्री, लौंग और काली मिर्च और जीरा लिया हुआ है, तो वो डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी उसको मैंने ऐसे ही लंबा लंबा काट के रखा था, तो वो डाल देते हैं। अब हमें ना प्याज को बहुत ज़्यादा कुछ पकाना वकाना नहीं है, क्योंकि हमें इसे चिकन के साथ भूनना है, तो हम उसको चिकन के साथ ही भूनते हैं। तो साथ में हम चिकन भी डाल देते हैं, इसको चला लेंगे। तो गैस की फ्लेम जो है वो भी हाई है और हम ऐसे ही इसको अच्छे से भून लेते हैं प्याज के साथ में पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा बहुत अच्छे से इसके अंदर प्याज के साथ में भून गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने ना 1.5 मतलब आप एक बड़ा प्याज और एक छोटा मीडियम साइज़ का वो मैंने पीस के रखा हुआ है, तो वो हम डाल देते हैं। साथ ही हम इसके ये 1 टमाटर जो है वो रफली चॉप करके रखा है वो डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने सूखे जो मसाले हैं ना उनको पानी में भिगो के रखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जो है वो तीखी वाली लाल मिर्च है और 2 चम्मच जो है वो रेड देगी मिर्च है और 1 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर है, तो वो हम इस पर डाल देते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, अब हम इसको चिकन को ऐसे ही पकने देते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा है, तो हमने उसको जब हमने मैरिनेट किया था तब भी डाला था और 1 चम्मच हम अभी भी डाल रहे हैं इस पर बस। तो अब हम इसे ना ढक देते हैं और इसे हम ढक के पकाएंगे अब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। तो अभी हमने इस पर नमक नहीं डाला है, तो हम इस पर नमक ऐड कर देते हैं। और साथ ही में हम इसमें दही डाल देंगे। तो हम 2 चम्मच जो है वो दही डाल देते हैं और इसी तरीके के से हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर कलर आया है चिकन का। हम इसे ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन कितना लाजवाब दिख रहा है और कितना अच्छे से भुन रहा है ये। तो अब हम क्या करते हैं इस पर कि 1 टीस्पून के करीब जो है ना इस पर चिकन मसाला डाल देते हैं और इसे फिर से मिला लेते हैं। ठंडी में आप चिकन बनाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या होता है ऐसा कि वो इतना डिलीशियस बनता है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है ये, और चिकन भी इसमें पकते पकते ही आराम मतलब
इसमें भूनते भूनते ही अच्छे से कुक हो गया है, तो हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए अभी और पकाएंगे और उसके बाद हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, तेल बिल्कुल अच्छे से बाहर आ गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, जितना आपको ग्रेवी की थिकनेस चाहिए। तो मैं बस इतना ही पानी ऐड करूँगी और चिकन जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, इसलिए इसको स्लो फ्लेम पे पकाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब हम हाई फ्लेम करके और इसको एक बार अच्छे से पका लेंगे, उबाल आने देंगे और हम इसे फिर सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ग्रेवी वाला चिकन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको धनिया पत्ती के साथ में गार्निश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाले वाला चिकन, तरी वाला चिकन या ग्रेवी वाला चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। और क्योंकि ये क्ले पॉट में बना है इसलिए वो बहुत देर तक गर्म रहता है ना, इसकी वजह से वो बंद करने के बाद भी अभी ग्रेवी जो है वो ऐसी उबल रही है। तो देख सकते हैं आप उसका कलर, उसका टेक्स्चर कितना अच्छा आया है और कितनी डिलीशियस दिख रही है वो। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बाजू में जो बेल आइकन होती है उसे प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।